लॉकडाउन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड फॉर अराउंड 7 और मे बी 14 डेज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज आर ऑल गुड एंड फाइन, सेफ एट योर होम्स। और टाइटल देख करके आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ और क्या बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो 21 डेज से अपने घर पे बंद है और भागलपुर को काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू टिकटॉक राइट नाउ और कितने क्रिएटिव होते हैं ये टिकटॉक क्रिएटर्स। माई गुडनेस, हर चीज़ में से कुछ क्रिएटिव निकाल लेते हैं ये लोग, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं भागलपुर में या अब्रॉड इंडिया। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, दिस इज़ आवर इंडिया। कुछ दिनों पहले हम लोग शहर में अपने विलेज गए थे, वहाँ पर कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उस दौरान मैंने कुछ सीन्स कैप्चर किया कि भागलपुर किस तरह दिख रहा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक ख़ास वीडियो भी है जो आप लोगों को दिखाऊँगा, तो ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। द प्लेस आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ, ये प्लेस खाली हो ही नहीं सकता है। इस तरह से वीरान पड़ा है ये प्लेस, आप एक बार देखिए। हमारा जो अर्थ है उसमें पॉल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे आया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और मैंने कल ही न्यूज़ में पढ़ा है ये कि जलंधर से 140 किलोमीटर दूर जो हिमालय की पहाड़े हैं वो जलंधर से साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि पॉल्यूशन लेवल किस तरह से नीचे गया। इस प्लेस पे भी हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड किए, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी एकदम कम्प्लीटली बंद है और किस तरह का लग रहा है आप देख लीजिए। और अब जो प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये प्लेस काफ़ी लोग मिस कर रहे होंगे, जो भी फूडी लोग हैं। तो इस वीडियो को देखिए और गो थ्रू करिए अपने पुराने मेमोरीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ रिकॉल करिए उस मेमोरीज़ को, किस तरह से आप यहाँ पर आते थे और एंजॉय करते थे। जस्ट हैव अ लुक। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो साथ दे सारा इंडिया तो फिर जीत जाएगा इंडिया। ड्यू टू कॉपीराइट कंटेंट मैं यूट्यूब पर नहीं पोस्ट कर पाया उसको, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और काफ़ी प्यार मिला उस वीडियो को। तो अगर इनकेस आपने नहीं देखा है अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन है, जाइए और एक बार देखिए उस वीडियो को। अब एक शॉर्ट मूवी प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए कि भागलपुर कैसा दिखता है लॉकडाउन में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा एक छोटा सा कोशिश था दिखाने का कि भागलपुर इस लॉकडाउन में कैसा दिख रहा है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, समर केयर एंड सी यू।